भारत में रचा गया एक नया कीर्तिमान, पहाड़ों में बना डाली 26 दिनों में रेल सुरंग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ललित और आप देख रहे हैं हापुड़ शहर का नंबर वन न्यूज चैनल हापुड़ हलचल। जी हां, उत्तराखंड के ऋषिकेश से लेकर कर्ण प्रयाग तक रेलवे मार्ग के काम की रफ्तार तेज हो गई है। हजारों करोड़ रुपए के इस रेल प्रोजेक्ट में शिवपुरी से ब्यासी तक के बीच 1 किलोमीटर की सुरंग को सिर्फ 26 दिन में ही बनाकर नया कीर्तिमान रच दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेल विकास निगम के साथ इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही देश की प्रतिष्ठित कंपनी L&T की तारीफ की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में RVNL पैकेज 2 के तहत ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का काम L&T की टीम ने कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद केवल 26 दिनों में शिवपुरी से ब्यासी के मध्य 1012 मीटर NETM यानी न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड टनलिंग को पूरा करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस शानदार उपलब्धि के लिए टीम के सभी सदस्यों को CM पुष्कर सिंह धामी ने हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में रेल प्रोजेक्ट 2 में 12 नए रेलवे स्टेशन और 17 नई सुरंगें बनाए जाने की योजना है। इनमें से 8 मीटर व्यास वाली 11 सुरंगों की लंबाई 6 किलोमीटर से ज्यादा की है। इन सुरंगों में 6 मीटर व्यास की निकासी सुरंग भी शामिल है। इस प्रोजेक्ट में कई सारी सुरंगें बनाई जा चुकी हैं जो 35 किलोमीटर से ज्यादा लंबी हैं और जो पूरी तरह से तैयार हैं। 125 किलोमीटर लंबे प्रोजेक्ट के तहत देवप्रयाग, टिहरी गढ़वाल और कर्णप्रयाग आपस में जोड़े जाएंगे। इसमें 100 किलोमीटर रेल लाइन सुरंगों के भीतर ही होगी। केंद्र सरकार ने विकास की गति को बढ़ाते हुए यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ के साथ साथ बद्रीनाथ धाम यानी चार धाम यात्रा को भी रेलवे लाइन से जोड़ने पर काम शुरू कर दिया है और आने वाले दिनों में यात्री रेल मार्ग से देवभूमि भी पहुंच सकेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर, पहाड़ों में सिर्फ 26 दिनों में L&T के कर्मचारियों ने और अधिकारियों ने रेल सुरंग का निर्माण कर दिया है और नया कीर्तिमान रच दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं हापुड़ शहर का नंबर वन न्यूज़ चैनल हापुड़ हलचल। नमस्कार।